कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत बंद कर दी है, बावजूद आंदोलनकारियों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार आंदोलनकारियों को भाव नहीं दे रही है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार में लगे हैं, अब बीजेपी किसानों को साधने की कवायद में जुट गई है। टिकैत और किसान नेताओं को बीजेपी उसी अंदाज में जवाब देने जा रही है। टिकैत के प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली होने जा रही है। 16 से 30 नवंबर तक पूरे यूपी में प्रदेश व्यापी ट्रैक्टर रैली का आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। किसान आंदोलन और गन्ना किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी किसान मोर्चा ने ये खास रणनीति तैयार की है। दरअसल किसान आंदोलन को हवा देता रहा विपक्ष। यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और किसानों के बीच पाला खिंचवाने की मंशा में है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन के असर को सिरे से खारिज करने के लिए बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की है। इसके जरिए बीजेपी किसानों से बातचीत कर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश भी करेगी और किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। दरअसल बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि टिकैत का असर पूरे यूपी में होने वाला नहीं है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में टिकैत का आंदोलन चोट कर सकता है। इसीलिए बीजेपी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसानों के बीच खुद उतरकर उन्हें साधने का बीड़ा उठाया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी किसान पाहुल वाले पश्चिम यूपी और तराई के बेल्ट में विकास योजनाओं की सौगात देकर उनके गुस्से को कम करने के अभियान में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इस ट्रैक्टर रैली का असर यूपी में कितना पड़ता है, लेकिन बीजेपी के इस कदम से टिकैत की बेचैनी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।